नमस्कार दोस्तों, आज वाईटी भारत पर शिमला और मनाली का मोस्ट डिस्काउंटेड हनीमून पैकेज मैं आपके लेकर के आ गया हूं। और इस हनीमून पैकेज की एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी भी है कि आपको वॉल्वो बस के मजे के साथ साथ प्राइवेट कार से भी सफर करवाया जा रहा है। तो यदि आप ऐसे यूनिक टूर पैकेज की जानकारी हासिल करना चाहते हैं जो अभी तक किसी भी ट्रैवल कंपनी ने शायद लाइव करा हो, तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। आपको हैवी डिस्काउंट दिया जा रहा है 8,000 रुपये का, जहां पर अभी तक हम 30,000 रुपये का शिमला मनाली आपको ऑफर कर रहे थे, आज आपको मात्र 22,000 रुपये में इस पैकेज को दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। और यदि आपने YT भारत चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे इंडिया और इंटरनेशनल की बहुत सारी ट्रैवल रिलेटेड इंफॉर्मेशन नॉन स्टॉप आपके लिए आने वाली है। अभी बेस्ट सीजन चल रहा है जब आपको हैवी स्नोफॉल देखने को मिलेगी, क्योंकि मनाली में आज ही सोलांग वैली के अंदर स्नोफॉल हो रही है और आपको बहुत आगे अच्छा यूनिक मौसम मिलने वाला है। तो हनीमून ट्रिप के लिए आप इस बेस्ट टाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप हनीमून पर नहीं भी जा रहे तो आपको थोड़े से और डिस्काउंट के साथ सेम आइटनरी वाला पैकेज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये सवाल आता है, इस पैकेज को आप कैसे बुक कर सकते हैं? तो वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है, कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, सारी जानकारी हासिल करिए और अभी तक का मोस्ट डिस्काउंटेड टूर पैकेज जल्दी से जल्दी बुक करवा लीजिए, क्योंकि आगे यदि हाउसफुल हो गया तो आप इस पैकेज को बुक नहीं करा पाएंगे। इसकी टूर की वैलिडिटी होने वाली है नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर 2022 के बाद। इसके बाद ये रेट फिर से चेंज हो जाएंगे और आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया जाएगा। अभी जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ वो 2 adults यानी कि 1 couple के रेट्स बता रहा हूँ। टोटल टूर की ड्यूरेशन होने वाली है 6 nights 7 days के लिए और पैकेज की कॉस्ट मात्र और मात्र है 30,000 रुपये ना लेते हुए केवल 22,000 रुपये 6 nights 7 days का ही टूर पैकेज होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम दो कैटेगरी दे रहे हैं। आपको फर्स्ट कैटेगरी डिलक्स पैकेज की कॉस्ट है 22,000 रुपये की, एक कपल के लिए 6 nights 7 days का, जिसमें आपको शिमला के अंदर होटल किंग पैलेस में रुकने को मिलेगा या होटल वैली व्यू या वाइट लैंड या ऐसे सिमिलर। मनाली के अंदर होटल एप्पल क्रॉफ्ट कॉटेज, होटल राजहंस, होटल डी विला, फ्लेमिंगो जेस्ट या इससे सिमिलर। अब बात कर लेते हैं यदि आप सुपर डिलक्स पैकेज की कॉस्ट को सेलेक्ट करते हैं तो वो भी बहुत ही कम है, जहां पे 35-36 हज़ार रुपये लिए जाते हैं मात्र 26,000 रुपये के अंदर। एक कपल का 6 nights 7 days का पैकेज दिया जा रहा है, जिसमें आपको शिमला के अंदर होटल सत्यम पैराडाइज, राहत रिजेंसी, होटल रॉयल विस्टा, होटल शिमला पैलेस या इससे सिमिलर मिलेगा। मनाली के अंदर होटल हयात रिजेंसी, होटल न्यू हार्मनी इन, होटल मनाली ग्रीन, हडिम्बा रिट्रीट या इससे सिमिलर मिलेगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपने लेट कर दी इस पैकेज को बुक करवाने में, हो सकता है आपको इस सेम कैटेगरी का होटल ना मिले। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है। बहुत सारी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ, लग्जरी AC सेमी स्लीपर बस की टिकट दिल्ली से मनाली के जब आप जाएंगे और वापस जब आप शिमला से दिल्ली लौटेंगे तब भी आपको लग्जरी AC सेमी स्लीपर वॉल्वो बस की टिकट दी जा रही हैं। इसके साथ साथ मनाली से शिमला जब आप जाओगे तो इंडिविजुअल कार से भेजा जाएगा। दोस्तों अभी तक ये कॉम्बिनेशन हम नहीं लाए थे, आपके लिए ओनली और ओनली वॉल्वो बस के साथ साथ इंडिविजुअल कार के भी मज़े दे रहे हैं जब आप मनाली से शिमला आ रहे हैं तब। इसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री पिकअप एंड ड्रॉप दिया जा रहा है वॉल्वो बस स्टैंड से होटल के बीच में। 3 nights का एकोमोडेशन मनाली में, 2 nights का एकोमोडेशन शिमला के अंदर, 1 candlelight डिनर मनाली में, हनीमून केक वंस ड्यूरिंग द स्टे, फ्लावर बेड डेकोरेशन, 2 glass मिल्क केसर बादाम दिया जा रहा है। इसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक आपको जब आप होटल पहुंचेंगे, 5 morning tea, 5 breakfast, 5 dinner, 1 half day का लोकल साइट सींग शिमला एंड कुफरी का बाय सेपरेट कार, 1 half day का लोकल साइट सींग मनाली का बाय सेपरेट कार, 1 full day का साइट सींग और कुल्लू मणिकरण बाय प्राइवेट कार, 1 full day का साइट सींग आपको सोलांग वैली का बाय प्राइवेट कार, 1 candlelight डिनर, फ्री एंट्री डिस्कोथिक में अगर अवेलेबल है होटल में, कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ ऑफ रिक्रेशनल एक्टिविटी, हॉट एंड कोल्ड वाटर, डॉक्टर ऑन कॉल होटल में अगर है चार्जेबल बेसिस पर, 2 seat प्रोवाइड करी जाएंगी वॉल्वो बस के अंदर। तो दोस्तों बहुत बहुत सारी आपको फैसिलिटी बताई गई। अब आपको मैं
अभी तक का सबसे डिटेल्ड ओवरव्यू देने जा रहा हूँ इस सफ़र का। आइए दोस्तों, डिवाइस आइटनरी में सबसे पहले दिन आप चलेंगे दिल्ली के आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन या मजनू का टीला से आपकी वॉल्वो बस स्टार्ट होगी। आरके आश्रम पड़ता है न्यू दिल्ली के पास और मजनू का टीला पड़ता है कश्मीरी गेट बस अड्डे के बहुत ही पास। दोनों ही बहुत ही पास हैं। लगभग 50 रुपये में आप कोई भी ऑटो या बैटरी रिक्शा करके इन लोकेशंस तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यहां पर पहुंचने के बाद लगभग शाम के 5:30 बजे से आपकी वॉल्वो बस शुरू होती है दिल्ली से मनाली के लिए, और अगर मजनू का टीला की बात करूं तो लगभग 6 बजे के आसपास से शुरू होती है। बस में बैठने के बाद आपका बहुत ही सुहावना सफ़र स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली से जब आप चलते हैं तो करनाल बाईपास होते हुए सोनीपत, पानीपत, अम्बाला, चंडीगढ़, उसके बाद सुबह फिर पहुंचेंगे आप मंडी, देन कुल्लू और मनाली। इस तरह से आपका पूरा सफ़र 11 से 12 घंटे में और हद से हद 14 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लगभग 550 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए आप पहुंचेंगे दिल्ली से मनाली, और मनाली जब आप पहुंच जाएंगे Day 2 पर तो वो आपका कैसे रहने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। Day 2 पर जब आप कुल्लू पहुंचेंगे तो अपना एक आपको ड्राइवर का नंबर दिया जाएगा, टैक्सी ड्राइवर का, उसे संपर्क करिए, उनको बताइए कि आप कुल्लू पहुंच चुके हैं। वो आइडिया लगा लेंगे कि आपकी बस कब तक पहुंचेगी। वो आपको मिलेंगे मनाली के प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड के बाहर अपनी गाड़ी के साथ। आप उनसे कोऑर्डिनेट करिए, गाड़ी में बैठिए और कार में बैठ करके वो आपको होटल पर ड्रॉप कर देंगे। होटल में पहुँचने के बाद आप चेक इन करिए, थोड़ी देर आराम फरमाइए, कुछ नाश्ता करना है तो आपकी अपनी ऑन कॉस्ट पे रहेगा Day 1 पर, नाश्ता करके आप रेडी हो जाइए। 3 बजे आपकी मनाली की लोकल साइट सींग स्टार्ट होगी। इसे लोकल साइट सींग इसलिए कहा जाता है कि 3 से 4 घंटे के बीच में होती है। 5 से 7 किलोमीटर मनाली के माल रोड से आपको बहुत सारे स्पॉट्स मिलेंगे पिकनिक के और दर्शन करने के, जहाँ पर आप इन सब अपने समय को बहुत ही अच्छे व्यतीत कर सकते हैं। सबसे पहले आप पहुँचेंगे हडिम्बा देवी टेम्पल। आपकी स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे, बहुत ही सुंदर स्थान है। और कुछ लोग कहते हैं अगर मैं हडिम्बा देवी टेम्पल को स्किप करना चाहूँ तो क्या ऑप्शन है, स्किप कर दीजिए, ज़्यादा समय बताइए अपने नेक्स्ट स्पॉट पर जो आपका होने वाला है क्लब हाउस। क्लब हाउस में आप बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं परफॉर्म, और कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं पेड बेसिस पर। क्लब हाउस के बाद आप वन विहार जाएंगे, वन विहार में भी आप बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं पेड बेसिस पर। इन दोनों ही जगहों में पहुंचने के लिए आपकी थोड़ी सी 20 रुपये के आसपास की आपकी हद से ज़्यादा एंट्री टिकट्स होगी। एंट्री करिए, बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट जगह पर घुमाया जाएगा तिब्बतन मोनेस्ट्री और तिब्बतन टेम्पल। यहाँ पर घूमने फिरने के बाद आपको लगभग शाम के समय आपके होटल पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। होटल पर ड्रॉप करने के बाद आप डिनर करिए और आराम फरमाइए। Day 2 इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है। नाउ बात कर लेते हैं Day 3 के बारे में। इस दिन आपका मनाली से सोलांग वैली का फुल डे साइट सींग टूर होने वाला है, प्राइवेट कार से, कोई भी शेयरिंग कार नहीं होने वाली है। इसके लिए बहुत ही सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लीजिए, लगभग 9 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट कर लीजिए। कोशिश करिए 9:30 से 10 के बीच में आप अपने होटल को लीव कर दें। थोड़ा सा सामान लेके ज़रूरत के अनुसार आप पहुंचिए सोलांग वैली। 15 किलोमीटर दूर है मनाली के माल रोड से। जाम पर डिपेंड करता है कितना समय लगने वाला है, लगभग 45 मिनट्स का आपका समय लग सकता है वहां पर पहुंच करके। अभी सोलांग वैली में बहुत ज़बरदस्त स्नोफॉल आज से स्टार्ट हो गई है, और आगे जो समय आ रहा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक बहुत बहुत बेहतरीन आपको स्नोफॉल मिलने वाली है सोलांग वैली के अंदर, जिसमें आप बहुत सारे एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आप स्कीइंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, रोपवे कर सकते हैं, टायर राइड कर सकते हैं, फोटोग्राफ क्लिक करवा सकते हैं। ये सब आपका अपनी ऑन कॉस्ट पे रहने वाला है। ये सब करने के बाद हॉर्स राइडिंग हो गया, मोटर बाइकिंग हो गया, जिसे हम ATV राइड भी कहते हैं। पूरा दिन इंजॉय करने के बाद सोलांग वैली में, जिसे हम स्नो वैली के नाम से भी जानते हैं, आप सामने स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, आप वापस अपने होटल में लौटिए, डिनर करिए और आराम करिए। अब चल लेते हैं Day 4 के बारे में। एक और दिन आपका फुल डे का साइट सींग टूर होने वाला है, जो लगभग आपका 80 किलोमीटर पड़ेगा। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लिए, ड्राइवर के साथ निकल जाइए कुल्लू और मणिकरण की सैर पर। रास्ते में आपको
बहुत ही सुंदर नदी पार्वती नदी देखने को मिलेगी, जो आपकी मणिकरण से पहले आपकी स्टार्ट हो जाती है। पार्वती नदी के किनारे किनारे आपका सफ़र चलेगा, रास्ते में आपका सोल का आउटर भी देखेंगे और इतना सुंदर माहौल होता है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसके बाद कुल्लू में कुछ स्पॉट्स को घूम करके, जैसे कुल्लू शॉल फैक्ट्री हो गया, वैष्णो देवी टेम्पल हो गया, कसोल वैली हो गया, इसके बाद आप पहुँचेंगे मणिकरण गुरुद्वारा। मणिकरण गुरुद्वारा हिंदू और सिखों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ पर दुनिया का सबसे हॉट सल्फर स्प्रिंग का पूल है। यहाँ पर आप स्नान करिए, दर्शन करिए, उसके बाद बाबा जी का लंगर प्रसाद खाइए, वापस लौट जाइए अपने वापस सफ़र बैक टू मनाली। रास्ते का सफ़र अगेन वही होने वाला है। लगभग लेट इवनिंग आप पहुँचेंगे अपने होटल में, डिनर करिए और आराम करिए। डे 5 पर आप निकलेंगे, मनाली से शिमला का सफ़र होने वाला है और ये सफ़र वॉल्वो से नहीं दिया जा रहा, ये आपका सफ़र होने वाला है प्राइवेट कार से। इसके लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करिए, मनाली से शिमला का आपका सफ़र स्टार्ट हो जाएगा। शिमला आप पहुंचेंगे बाय इवनिंग। इवनिंग में पहुंच करके आसपास आप अगर खुद घूमना चाहते हैं तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आराम करके डिनर करिए और ओवरनाइट स्टे करिए शिमला के अपने होटल में। अब आपका डे 6 होने वाला है, जिस दिन आप कुफरी और शिमला की लोकल साइट सीइंग करेंगे। लगभग 25 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ होने वाला है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करिए होटल के अंदर शिमला के, उसके बाद 7 से 8 बजे के बीच निकल जाइए कुफरी। कुफरी के रास्ते में आप कुफरी फन वर्ल्ड अपने ऑन कॉस्ट पे एक्टिविटी कर सकते हैं, एक एक्टिविटी पार्क है। इसके बाद रास्ते में आप एडवांस स्टडी भी जाएंगे। इसके बाद लगभग आप कुफरी घूमते हुए, जो शिमला का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर स्नोफॉल के दिनों में बहुत अच्छी स्नोफॉल पड़ती है, बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, और कुफरी के अंदर भी देखे जाएं तो बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी होती हैं। मैं प्रीफर नहीं करता कि कुफरी की एडवेंचर एक्टिविटी करी जाए। कुफरी पहुँचने के लिए आपको हॉर्स भी करना पड़ता है हायर, और एक जीप जैसी सफारी भी जाती है जो लगभग 500-700 के आसपास लेती है। ये दोनों ऑप्शन के द्वारा आप कुफरी के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे, और अगर पैदल ट्रैक करना चाहें तो कुफरी आप ट्रैक करके भी पहुंच सकते हैं। वहां पहुंच करके आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, मार्केट से मिलेगी, खाने पीने की भी चीज़ें मिलेंगी, ये आप सब कुछ एक्सप्लोर करके पूरा दिन, उसके बाद आप लौटेंगे लगभग दोपहर के समय, आप वापस शिमला लौट जाइए। शिमला लौटने के बाद आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा माल रोड के पास, उसके बाद आप शिमला के लोकल पॉइंट जो होते हैं जो माल रोड के आसपास हैं वो खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई भी गाड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। द रिज जा सकते हैं, स्कैंडल पॉइंट जा सकते हैं, द लिफ्ट घूम सकते हैं, लक्कड़ बाज़ार जाइए, क्राइस्ट चर्च जाइए, जाकू टेम्पल आप जा सकते हैं अपनी ऑन कॉस्ट पे, या पैदल जाना चाहें तो वहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद गेटी थिएटर आप जा सकते हैं, कालीबाड़ी टेम्पल जा सकते हैं, या आप स्वयं खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, सब कुछ माल रोड के आसपास ही है। वापस लौटिए अपने होटल में, डिनर करिए और आराम फरमाइए। आइए दोस्तों बात करते हैं डे 7 के बारे में। बैक टू द दिल्ली का सफ़र होने वाला है। शिमला से सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करिए, चेकआउट करिए, वॉल्वो बस को पकड़िए, वॉल्वो बस का पॉइंट होगा, बस को पकड़िए, बस को पकड़ करके वापस दिल्ली लौट जाइए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। बस एक ही काम करना है, वीडियो के टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है, उनकी वेबसाइट दे दी है, व्हाट्सअप फेसबुक सब दे दिया है, कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, सारी जानकारी हासिल करिए। लेकिन जल्दी से जल्दी अगर आप जनवरी फरवरी मार्च में सफ़र करना चाहते हैं, दिसंबर में, तुरंत इस टूर पैकेज को बुक करवा लीजिए। ये एक हनीमून टूर था, अगर आप नॉन हनीमून टूर भी लेना चाहते हैं, फैमिली फ्रेंड्स में जाना चाहते हैं, तो थोड़ी सी हनीमून पैकेज की कॉस्ट कम हो जाएगी, रेस्ट ऑफ द आइटनरी बिल्कुल सेम रहेगी। इंजॉय करिए हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन जा करके। मुझसे कुछ कमेंट करके सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल फील फ्री करिए अपने आप को, कमेंट करिए, सवाल पूछिए, बने रहिए वाईटी भारत पर। मिलता हूँ अगले इंडिया और इंटरनेशनल के किसी अगले डेस्टिनेशन की जानकारी लेकर के आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बने रहिए वाईटी भारत पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।